हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। आज का इस ब्लॉग है कि जो हम जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद हमें क्या खाना चाहिए। और मोस्टली जैसा मेरा प्रॉब्लम है वैसे बहुत सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम है, जैसे कि मतलब ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो कम पैसे में मैं आज आपको एक रेसिपी बताने वाला हूँ जिससे हमारा मतलब जो वर्कआउट के बाद हमें खानी चाहिए उससे हमारी सेहत में बहुत सारा मतलब प्रोटीन आता है। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा पसीना निकलता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें हेल्दी फूड का सेवन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पसीना निकल रहे हैं या हमारे जो एनर्जी लेवल है बॉडी का वो सब इंक्रीज़ होता है। तो आज तो ग्राउंड का वर्कआउट ख़त्म हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ कि दूध लेने के लिए, तो आधा लीटर दूध लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी आप सबको जितने भी सिलचर के लोग हैं उन लोगों को अगर अच्छा दूध कहाँ से मिलता है जानना है तो आप मुझे DM करना, मैं आपको एड्रेस बताऊँगा। और अभी जा रहा हूँ मैं दूध लेने के लिए, साथ में सद्दाम भी है, तो चलो मिलते हैं। तो गाइस अभी हमने दूध ले लिया है, तो आप देख सकते हो इतना प्योर दूध देता है ये लोग। जैसे कि मुंबई में कैसे रहता है कि छोटा छोटा आधा लीटर का पाउच रहता है, उसमें बहुत मिलावट होते हैं, पानी रहते हैं उस पर ज़्यादातर, पर ये दूध एकदम प्योर है। और अभी हम लोग जाने वाले घर, उसके बाद आपको बताते कैसे बताते हैं। तो गाइस अभी घर पर आ चुका हूँ और टी शर्ट देख सकते हो अब पूरा गीला हो चुका है। और अभी जाऊँगा नहाने, ग्राउंड से मैं गया था दूध लेने के लिए, फिर दूध लेके आया क्लास पे अभी फुल वर्कआउट करके अभी घर पे आया हूँ। फिर नहाने के बाद अभी आप सबको मैं वो रेसिपी बना के देता दिखाता हूँ। अभी जाता हूँ नहा के, फिर आके आपको दिखाते हैं रेसिपी। तो गाइस अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी मैं बनाने वाला हूँ वो छोटा सा एक सिंपल रेसिपी जिससे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। सोयाबीन का जो छोटा छोटा बीची मिलता है, फिर ये वाला हो गया ब्लैक काला चना, और ये हो गया मूंग। ये तीनों को आप भिगो के रख सकते हो और फिर आप जब सुबह को वर्कआउट करके आते हो या वर्कआउट पे जाते हो उस टाइम पे आप उसका खा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। और इसका जो पानी है ये भी मैंने फ्रेश ही है पानी, इसको भी आप पी सकते हो अगर आप रात को जब ये भिगोते हो उस टाइम पर, अगर आप धो के भिगोते हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं पानी के साथ पूरा टोटली पीने वाला हूँ और फिर मैं उसके बाद बनाने वाला हूँ जो मेरा आज का रेसिपी है। टेस्ट इतना नहीं है पर सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पानी ना पीना चाहो तो आप फेंक सकते हो पानी को, लेकिन आपको क्या करना है, ज़्यादा मात्रा में ये नहीं भिगोना है कि उसमें एक स्मेल रहता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि खा नहीं पाते वो लोग। तो आपको ये ज़्यादा मात्रा में नहीं भिगाना है, तीनों मिला के पकड़ लीजिए आप, ये 2 चम्मच, फिर ये वाला 2 चम्मच, और जो मूंग होता है छोटा छोटा इसको भी 2 चम्मच भिगाओगे तो जब पानी में भीगता है तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। चीज़ गाइस, आप जब भी वर्कआउट करने के लिए मॉर्निंग को निकलोगे आप खाली पेट बिल्कुल वर्कआउट मत करना, कुछ भी खा लेना। मैं तो मॉर्निंग को ज़्यादा नहीं 5-6 काजू खा लेता हूँ, तो उससे क्या होता है कि खाली पेट रहते हैं ना तो हमारे पेट के अंदर गैस रहता है या बहुत सारी चीज़ें होती है ना, प्रॉब्लम दिखाई देता है बाद में। और पानी बहुत ज़्यादा खाना, कम से कम एक दिन में 5 लीटर पानी पी लेना, तो उससे क्या होगा पानी जितना मतलब हम पसीना निकलते हैं वर्कआउट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है वो पानी से फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो गाइस अभी मैं रेसिपी बनाने के लिए बैठ गया हूँ, तो उससे पहले क्या करना है आपको एक छोटा सा पतीला लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है ओट्स लेना है। अभी आप ओट्स में ना बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएगा, फर्स्ट क्रॉप का अच्छा रहता है तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्रॉप परचेज़ किया, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप अगर उसका प्राइस देखो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 129 MRP है आधा किलो की। और इस पर बहुत सारे वेराइटीज़ भी, अगर आप दूसरा लेना चाहो तो दूसरा भी मिलता है, उस पर ड्राई फ्रूट एड्स रहते हैं पर ये प्लेन है। और उसके बाद क्या करना है आपको काजू लेना है, काजू अगर आप आपके बाहर से हो तो डीमार्ट से आप परचेस कर सकते हो कम पैसे में, या किसी भी स्मार्ट बाजार या कुछ भी बिग बाजार टाइप का होगा तो उधर से भी आप विशाल वगैरह से परचेस कर सकते हो। इसका आप देख सकते हो आधा किलो का 599 है, मतलब 600 रुपया, पर जब मैंने उसको परचेस किया तो मुझे बहुत कम पड़ा, 379 पड़ा है, क्योंकि ये ऑफर में चल रहे थे तो मैंने इसका 2 पैकेट खरीद लिया था काजू का। और आपको लेना है और एक चीज़, वो है आपको पीनट बटर। अभी पीनट बटर आप जब खरीदोगे ना तो देख के खरीद लेना, क्योंकि ये वाला अच्छा रहता है, ठीक है। उसका भी प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको दिखाता हूँ मेरे, सिर्फ 169 रुपीज़ है। अभी मैं डालता हूँ और फिर बताता हूँ। अभी पहले सबसे पहले मैं दूध ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने दूध। और अगर आपको नहीं पता कि दूध प्योर है कि नहीं, उसकी मिलावट है, अगर ऐसा चेक करना है तो आप उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा ढक्कन में दूध लेना है,
थोड़ा सा ढक्कन में दूध, अब ये दूध जो है उस दूध को जमीन पे या नाखून पे आप रख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे डालना है फ्लोर पे। अगर दूध एक जगह से सरक रहा है तो आपको समझ में आ जाए कि ये दूध प्योर नहीं है, पर ये दूध आप देख सकते हो एकदम प्योर है और एकदम बहुत, मैं बोलूँगा कि बहुत ही सस्ते में वो देता है क्योंकि वो मिलावट नहीं करता है दूध में। ये देखो आप एक ही जगह पे है दूध, हिल भी नहीं रहा है एक जगह से, अगर मिलावटी होती तो पानी यहाँ से फट से निकल जाता। और आधा लीटर ज़्यादा नहीं लेते, 40 रुपये ही लेते हैं, लेकिन एकदम वो निकाल के दूध दे देता है, जो जो लोग आते हैं उसको दे देता है। अभी मैं लेने वाला हूँ, ये है ग्लास, एक छोटा सा ग्लास लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना आप उस पर ओट्स लेने वाले हो उतने मात्रा में आपको उस पर दूध लेना है। अभी सबसे पहले मैं इस पर ओट्स डाल देता हूँ। अभी मैंने इस पर ये ओट्स ले लिया है, आप देख सकते हो मैंने इस पर पूरा नहीं लिया है, आधा लिया है, क्योंकि जब वो पकता है तो वो बढ़ जाता है, तो आप पूरा मत लेना, खा नहीं पाओगे। और अगर आप पहली बार खा रहे हो तो थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैं आधा ग्लास ओट्स ले लिया, अभी उतनी मात्रा में मैं उस पर दूध लेने वाला हूँ। दूध उससे थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा, दूध ये ले लिया मैं एक ग्लास दूध। अभी दूध लेने के बाद, अभी आपने जितना दूध लिया उस पर आपको, जितना आपने दूध लिया उससे आधा पानी लेना है आपको। ये मैंने ले लिया आधा ग्लास पानी, और थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। ये ले लिया मैंने आधा ग्लास पानी, अगर आप चाहो तो उससे कम भी दूध ले सकते हो। देखो ये 500 ml का बोतल है, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा दूध तो यूज़ नहीं किया है, बस यहाँ तक ही मैंने दूध यूज़ किया इसका, इतना सा यूज़ किया। तो आप चाहो तो 100 ml भी ले सकते हो, 100 ml में भी बन जाता है, 200 ml में भी बन जाता है। अगर आपको पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप कम दूध भी ले सकते हो। मैं ज़्यादा दूध ले लेता हूँ क्योंकि मैं बाकी जितना भी रहता है उसको मैं थोड़ा सा रात के लिए बचा लेता हूँ, क्योंकि खाने के बाद दूध पीते तो अच्छा है सेहत के लिए। मैं हल्दी दूध पी लेता हूँ रात को, ठीक है। अभी आपको उस पर क्या करना है, अभी आपको उसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है पीनट बटर के साथ, पीनट बटर। अभी इसमें मैं एक चम्मच पीनट बटर लेने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, एक चम्मच पीनट बटर, ये हो गया एक चम्मच भी नहीं, एक चम्मच से कम है। अभी इसको मैं उस पर अच्छे से मिक्स करूँगा। अगर आप देखने जाओगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ रहा है, और लगभग आप ये सारी चीज़ें आप खरीद लोगे ना तो आपका बहुत दिन चल जाएगा मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट 15 दिन तो चल जाएंगे। और जब मैंने ये ख़रीदा था और ये एक के साथ एक फ्री था, तो मॉल में यही फैसिलिटीज़ होते हैं कि मतलब आप जब भी कुछ चीज़ परचेज करते हो तो आपको कम पैसा भी लगता है, उसमें क्या होता है आपको ज़्यादा सामान मिल जाता है, कभी कभी बाई वन गेट वन फ्री रहता है या कभी कभी बाई टू गेट वन फ्री भी रहता है। तो अभी ये थोड़े समय ऐसा मिक्स कर लेना है तो खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका आप ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो, आलमंड हो गया, फिर किशमिश हो गया, ये हो गया, अभी इसको काजू हो गया। अभी इसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लेना है, थोड़ा सा तोड़ देना है, उसको तोड़ दोगे तो क्या होगा, आप हर एक चम्मच में आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा, जब आप इसको खाओगे तब आपको हर एक चम्मच में मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, ये टूट नहीं रहा है, बहुत सख्त है, एक गिर भी गया। अभी जैसे मैंने ये डाल दिया है कुछ 10 या 15 होगा, अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, उसके बाद इसको गैस पे डालना है। अभी मैं इसको गैस पे डालने के लिए जाता हूँ। तो गाइज अभी मैंने इसको गैस पे डाल दिया है और गैस भी जल रहा है, तो अभी इसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ऐसा मिक्स करते रहना है। जैसे आप मिक्स करोगे ना तो जो जितना भी चीज़ है यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा उस पर, थोड़ा थोड़ा उसको मिक्स करते रहना है, और मिक्स करते रहोगे तो आपका जो पीनट बटर आपने डाला था वो सारे गल जाएंगे और पूरा मतलब सब मिक्स हो जाएंगे, गल के मिक्स हो जाएंगे सब। तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा उबलते उबलते देखोगे, जैसे आप पानी दूध उबल रहा है तो उस टाइम पे आपको जिस थोड़ा समय जाएगा तो आपका आप देखने लग जाओगे कि थोड़ा समय जाएगा तो गैस उसके बाद दूध उबलने लगेगा, तो उबलना चालू हो जाएगा तब आपको गैस बंद कर देना है। तो आप थोड़ा समय आपको मिक्स करना है, तो गैस अभी ये देख सकते हो आप थोड़ा थोड़ा उबलना चालू हो चुका है, जैसे उबलना चालू हो जाए थोड़ा सा आपको उसको एक बार चम्मच से मिक्स करना है, नहीं तो क्या पता नीचे लग जाएगा और जल भी सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसा करते रहना है थोड़ी देर बाद, और ये जैसे उबलना चालू हो जाएगा तो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, ये देखो आप उबलना चालू हो गया, और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं
दो ढाई मिनट ही बिठाए हैं और ये उबलना भी चालू हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। सख्त हो चुका है आप देख सकते हो। तो अभी हम गैस को कर देते हैं बंद। अभी इसको थोड़े समय हम ठंड होने के लिए पंखे के नीचे रख देता हूँ। तो गाइस फर्स्टली ओट्स, आप लोग चाहो तो ओट्स भी यूज कर सकते हो या फिर ओट्स की जगह पे डालिया ऑप्ट भी यूज कर सकते हो। सेकेंड पीनट बटर, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस में कोई भी अफोर्ड कर सकता है। थर्ड काजू, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बेटर, अदरवाइज स्किप कर दो। अब बनाना ले लो, दो बनाना एनफ होते हैं डेली डाइट के लिए। फोर्थ डेट्स यानी खजूर, गाइस डेट्स आपको किसी भी शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, और डेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ राइजिंस यानी किशमिश, गाइस इससे ज़्यादा एफोर्डेबल तो और कुछ भी नहीं है। किशमिश आपको दो तरह के मिल जाएंगे, एक ब्लैक और एक ग्रीन। ये सारी चीज़ आपको उतनी ही कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन प्रोवाइड करेगी जो आपको बाकी आलमंड, पिस्ता और कई एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट या फिर फ्रूट करवाती है। ट्राई करके देखो, आई होप यू विल गोना लव इट। तो गाइस अब ये ठंडा हो चुका है, अभी हम इसको खा सकते हैं। देखने में तो ज़्यादा खास नहीं लगता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो चीज़ टेस्टी होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जो चीज़ टेस्टी नहीं होता वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप चाहो तो मॉर्निंग को एग भी खा सकते हो। तो गाइस आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा, और आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और कैसा होता है मेरे को ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और कम पैसे में भी है। अगर आप सब एक साथ खरीदते हो, सिर्फ आप दूध डेली लेते हो, तो आपको रोज का लगभग ज़्यादा नहीं 30 से 40 रुपये कॉस्ट पड़ने वाले हैं, और वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप दूसरा कुछ खाने से अच्छा है, मुझे लगता है ये आप खा सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, और आगे का जो भी वीडियो होगा आपको रोज़ का अपडेट मिलता जाएगा। रोज़ मैं ऐसी कुछ ना कुछ वीडियो बनाता जाऊँगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डांस पे, अगर किसी भी चीज़ पे आपको मदद की ज़रूरत, तो हेल्प चाहिए होगा, तो आप मेरे को ज़रूर DM करना इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम ID नीचे दिया गया है। और आप सबसे मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच।